भगवान पहुंचे। नंद बाबा कहने लगे, भैया यहां पर कुआ भी बड़ा अच्छा है और जो हम कछु पराठे पूरी घर से लाए वो बैठ के खा ले, हाँ पूरी दोपहर रथ में चले हैं, और लाला तुम यहां बाग में थोड़े खेल। तो कृष्ण की नजर सीधी पड़ गई मथुरा की जो अठारियां ऊंची ऊंची हवेलियों पर। कृष्ण बोले, बाबा मेरी बात सुनो, तुम तब तलक दोपहर को विश्राम करो और हम सब जाए ना मथुरा में घूम आए। तो नंद बाबा बोले, पागल मत बने, तेरी और मधुमंगल की बड़ी अच्छी आदत है कि जब तुम जाओगे तो बिना गोपिकाओं को छेड़े नहीं मानोगे, और तुम गोपिकाओं को छेड़ोगे, और ये कंस कोई साधारण नहीं है राजा, अरे मथुरा है। और कंस को पता चला कि इन्होंने गोपिकाओं को छेड़ा है तो भैया पकड़वा के तुम्हें जेल में डलवा देगा। कन्हैया रोल लगे, बाबा दूर से मथुरा नगरी देख के आ जाऊंगा क्या? हाँ अरे दूरी दूर से बाबा जी हम नगर देख के आए हैं। कन्हैया को मथुरा में घुमा के लौटा के लेके आइयो। बलराम बोलो हमारे संग चल तो रोए पर रेगो सबसे पीछे, 6 साल वारो मधुमंगल बोलो तो हम सबसे पीछे रहेंगे। हाँ भैया अरे तो पीछे ने चलने दो, आगे 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 बलराम और मनसुखा बीच में सब ग्वाला और पीछे वो छोटो सो मधुमंगल और कृष्ण। कछ दूर घूमे तो मधुमंगल बोलो रे तेरी ननिहाल में आनंद नहीं आ रहा। कृष्ण बोले क्यों? अरे हमारी ननिहाल में तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? बोले बस ऐसे ही रहने, इतनी देर तेरी ननिहाल में घूमे है ना और इतनी देर को ब्रज में घूम लेते ना है और दो चार गोपिन के घूसा गाल पे खा ले तो 2-4 में मान देते बस। कृष्ण बोले चल चल आगे देखेंगे। सामने नजर पड़ी मधुमंगल बोलो ओ लाला कन्हैया वो देख बड़ी सुंदर गोपिका आ रही है, पानी सर पे रखे, लाला यही खड़ो है जा। बलराम बोले आगे देख ले, बलराम चल लो है पीछे पीछे देख ले, घूसा ऐसे मारे वो तो सही कर देगो। बोले सो का एक छोटी छोटी डगे कर लो जे आगे निकल जाएंगे अपने बात कर लेंगे। ग्वाला सब आगे निकल गए और कृष्ण और बलराम पीछे रह गए। गोपिका जब बराबर से आई तो कन्हैया ने दौड़ करके घूंघट पकड़ लिया, भाभी। सो गोपिका बोली तुम कब के देवर निकल आए हैं? ओ भाभी तू हमें जानती नहीं, हम कृष्ण हैं, कृष्ण यशोदा मैया के लल्ला और नंद बाबा के लल्ला हैं, हम तू नहीं जानती। गोपिका ने दोनों हाथ जोड़े, धन्य है प्रभु आप वही कृष्ण हो जिसने पूतना मारी हो ना।
अरे पूतना ही नहीं मारी हमने, अकासुर मारो, बकासुर, त्रणासुर, कैसी संभासुर। और आज हम जा रहे हैं, जो यहाँ को राजा है ना कंस, आज बाकू मारेंगे। गोपिका खड़ी खड़ी प्रभु के चरणों की ओर लख रही है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और तब तक बाकी नंद आए गई, दूर से चिल्लाने लगी, सब्जी में इतनी तेज मिर्च डाल के आई, घरवान के सब गाल सुलग गए, पानी लेने आई, जब गली में खड़ी खड़ी संभाषण दे रही हो, बातें कर रही हो किससे, घर चला भैया से कह के मारे मारे गुलचन के मारे तुम्हारी सब अकल ठिकाने से लगवाऊंगी, चल घर। भाभी बोली ओए ननदिया, बस नीचे सुर में बात कर ले, तू घर चल के भैया से कह के हमें पिटवाएगी तो कल ना परसों नंदोई ते ही विदा कराए बे, और कान में घुसर पुसर झूठी सांची ऐसी ऐसी कहूंगी तो ससुराल में जाए कि तोई पे पेट्रोल छिड़क के आग दे देगो तो मिदारी की, चल। आ गोपिका बोली बस बस, नंद बोली ओ भाभी तू मत कह मेरी और मैं ना कह रही तेरी, पर एक बात बता दे ये है कौन। गोपिका बोली अरे नादान तू नहीं जानती, तो गोपी बोली सुन नंदुलिया ये प्रीतम कृष्ण हमारे हैं और ताऊ नीलांबर हमारे हैं और कृष्ण पीतांबर